नमस्कार, ओम शांति। हमने देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 सैन्य योद्धाओं को हेलीकॉप्टर के हादसे में खो दिया है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। जनरल बिपिन रावत ने पूरी लगन से भारत की सेवा की। वह एक सच्चे देशभक्त और एक उत्कृष्ट योद्धा थे। उन्होंने हमारी सशस्त्र सेनाओं और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों से अधिक की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता से परिपूर्ण थी। उनका असामयिक निधन हमारी सेनाओं और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जनरल रावत ने असाधारण साहस और लगन से देश की सेवा की थी। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने हमारी सेनाओं की संयुक्तता की योजना तैयार की थी। यह राष्ट्र को बहुत क्षति हुई है। हमारे देश के वह एक कुशल योद्धा, अद्भुत रणनीतिकार और अनुभवी नेतृत्वकर्ता थे। जनरल रावत हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के महारथी थे। हमारा जनरल रावत से कई बार मिलना हुआ। उनके साथ काम करने का बहुत बार मौका भी मिला। इस दौरान हमें उनके कर्तव्यों पर पूरी निष्ठा, लगन और राष्ट्रहित में काम करने का पूरा एहसास भी मिला। जनरल रावत हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने भारत की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बैठाने के सैकड़ों सार्थक कदम उठाए। जनरल रावत का निधन देश के लिए एक ऐसी क्षति है जो शायद कभी पूरी ना हो सके। लेकिन वह फौजी हैं। फौजी मुल्क की हिफाजत का कर्तव्य हमेशा उठाता है, दुनिया चाहे कोई भी हो। उनका हमेशा यही प्रयास रहा कि हमारे देश की प्रगति और उन्नति किस प्रकार हो। वह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे। वह एक आध्यात्मिक आत्मा थे जो माउंट आबू में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत के साथ आए थे। इस विजिट को वह हमेशा बड़े आदर से याद करते थे। दोनों शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप और सुख स्वरूप आत्मा थे। उनका ध्येय हमेशा यही था कि भारत की सेनाएं सदा प्रशिक्षित और तैयार रहे, जिससे सीमा पर और पूरे देश में शांति रहे। वह हमेशा यह कहते थे कि भारतीय सेना का युद्ध करने का जो कर्तव्य है, वह खासकर शांति बहाल करने के लिए होता है। उनका प्रयास यही था कि भारतीय सेना सक्षम और हमेशा तैयार रहे और हर जवान अपना कार्य पूरी निष्ठा से और मेहनत से करे, जिससे देश में हर समय शांति हो। मुझे भी माउंट आबू में आने के बहुत ही अवसर मिले हैं। भारतीय सेना भी शांति के लिए कार्य करती है और हमारी यह संस्था भी शांति के लिए लगातार कार्य करती जा रही है। राजयोग मेडिटेशन सीखने और हर रोज अमृत वेले पर ध्यान करने से हमें खासकर टेंशन फ्री और अत्यंत शांति से कठिन कार्य करने में मदद मिलती है। इस राजयोग को अपने
निजी जीवन में अपनाने से हर कार्य को अच्छी तरह से करने में और भी उत्साह मिलता है और अनेक उदाहरण हैं जब जनरल रावत ने कठिन चुनौतियों के में उनकी रणनीति और उत्कृष्ट नेतृत्व से देश को गौरवान्वित किया है। बिपिन रावत जी के जाने के बाद बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। हादसे में जान गंवाने वाले सभी योद्धाओं, जनरल रावत और उनकी पत्नी के सहित सभी योद्धाओं ब्रिगेडियर लिडा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, नायक जितेंद्र कुमार, नायक गुरसेवक सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल सिंह, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन सब की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। जय हिंद, ओम शांति।